हाँ जी, गुड इवनिंग। जो भी आ गए फटाक से मैसेज कर दो मुझे प्लीज, तो मुझे आइडिया है कि हाँ सब आ चुके हैं। मुझे दिख रहे हैं काफी सारे लोग, रितिका, संदीप, काजल, ईशान। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट मी नो एएसएपी जो लोग आ चुके हैं, एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो मुझे, सो आई कैन कम टू नो के ठीक है तुम लोग आ चुके हो। रिया हेलो, गुड इवनिंग। राधे राधे, रितिका, प्रथम गुड इवनिंग। ध्रुवित गुड इवनिंग, प्रथम गुड इवनिंग। कस्तूरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी जल्दी, आई होप आप लोगों के डाउट्स रेडी होंगे, ठीक है। रित्वी गुड इवनिंग, तनीष गुड इवनिंग, प्रथम जय श्री राम। ध्रुवित सर एक क्वेश्चन है, ध्रुवित टाइप करता देना क्वेश्चन प्लीज। ब्रजेश गुड इवनिंग, काजल गुड इवनिंग, रिया गुड इवनिंग। मैं सोच रहा था पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन एक बार लिखवा दूं हर चैप्टर में से। रिया, संदीप, मानसी, नेहा गुड इवनिंग। पहले एक बार इंपॉर्टेंट सेक्शन लिख लें। प्री गुड इवनिंग, कल्पना गुड इवनिंग सर। जो लोग आ गए हो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो भाई, जो लोग आ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दो बिना बोले जल्दी से। कमेंट तो तुम लोग करते नहीं हो, मैं कमेंट पढ़ रहा था, पाँच छः कमेंट है सिर्फ। कमेंट तो तुम लोग करते नहीं हो, कंजूस। लाइक तो कर दो। प्रथम जय श्री राम, अजय जय श्री राम, संतोष जय श्री राम, रितिका यस सर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी का वेट करे। आपके जो भी डाउट है आप लोग एक बार टाइप करके रखना, मैं एक साल का तो पहले एक बार आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा पहले, बाद में लास्ट में टुवर्ड्स द एंड में आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। कविश सर डॉक्ट्रिन, कविश कौन सा डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन चार है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस है, इंडो मैनेजमेंट है, इंडो मैनेजमेंट के एक्सेप्शन है। कौन से डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हो आप? प्लीज बी स्पेसिफिक कविश। हाँ रिया, मैं सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट दूंगा। जी 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 जी, वीडियो लाइक कर दिया आपने रिया। जो लोग आ चुके हैं प्लीज लाइक कर दो, 60 के ऊपर लोग देख रहे हैं फिलहाल अब तक, और खाली 23 लाइक्स हैं। बेशर्मो, कमेंट में तुम लोग कंजूसी करते हो, लाइक में भी कंजूसी करोगे। कुणाल हाय, देव हाय, ध्रुवित का मैसेज पढ़ रहा हूँ, जैनिल हेलो। सर पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 29 में जो ट्रांसफर के बाद के राइट्स हैं वो एक बार समझा दो प्लीज। ध्रुवित मैं समझा देता हूँ, मैं सब लिखता रहता हूँ, रुकना, मैं सब कुछ तुम्हारे डाउट सब लिखता रहता हूँ, एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, पक्की बात। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं सारे आपके डाउट लिखता रहता हूँ। वीडियो लाइक कर देना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कमेंट तुम लोग करते नहीं हो, वीडियो तो लाइक कर दो जो आ चुके हैं। वी आर 60 अराउंड और सिर्फ आधे लाइक्स हैं, 30 लाइक्स हैं सिर्फ। बेशर्मो, इसमें भी कंजूसी। लेट मी स्टार्ट राइटिंग योर डाउट्स। संदीप बोलते हैं सर ऑल डॉक्ट्रिन पार्टनरशिप। सेक्शन 29 नेक्स्ट डॉक्ट्रिन नेक्स्ट अनपेड सेलर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में दे दूंगा, डोंट वरी। डॉक्ट्रिन में सिखा देता हूं, डॉक्ट्रिन में लिख दिया सर राइट्स ऑफ पार्टनरशिप। राइट्स ऑफ पार्टनरशिप देव, ये कैसा क्वेश्चन हुआ? राइट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में 5 चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, लीव कर सकते हैं सर वो पार्ट। 5 चैप्टर मतलब फिफ्थ यूनिट की बात कर रहे हो साक्षी? योग गुड इवनिंग। हाँ डॉक्ट्रिन में सिखा रहा हूँ सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर प्लीज। 1.5 डे स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करिएगा सर, ओके आशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी सर, हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 7 के अंदर स्टेप्स दिए हुए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स इज फ्रॉम सेक्शन 60 to 72। हाँ तो प्रथम उसमें डाउट क्या है, उसमें डाउट क्या है? मुझे अब तक आपके 3 डाउट्स मिले हैं, वेटिंग फॉर फर्दर डाउट्स। प्लीज जल्दी से टाइप करो अपने डाउट्स, मैं एक साथ सब लिख दूंगा, फिर एक साथ सबको डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा।
नीरज सर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस यार देख जनरली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से चांसेस ज़्यादा होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आने के। माधवी का डाउट है डोरमेंट कंपनी 455 डोरमेंट कंपनी नेक्स्ट नेमो डेट क्वाड ओके नेक्स्ट असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 सोगा उसमें क्या प्रॉब्लम है नेक्स्ट एस्टोफेल देव कौन सा एस्टोफेल आर यू टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से एस्टोफेल की बात कर रहे हो देव प्लीज बी स्पेसिफिक। आदित्य पासिव पैसिव ऑफ प्रॉपर्टी आदित्य प्लीज मेरा यूट्यूब पे लेक्चर देख लो जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा थी वो किस तरह हो सकता है हमने यूट्यूब पर आई थिंक इसका लेक्चर लिया था फिर भी चल मैं लिख देता हूँ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सर आपने सब एक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दो आप ओके सर मैंने फुल पढ़ा है अभी डायरेक्ट क्वेश्चन सब बन रहा है केस स्टडी देखूँ तो प्रैक्टिस करूँ। हाँ जेस आपका जो नाम है प्लीज़ एमटीपी आरटीपी करिएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऐसा मैसेज है निसर्ग का एओए। सर पार्टनरशिप छोड़ दूँ नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना भाई कुछ भी नहीं छोड़ना सर एक बार केवी टेम्पटर समझा दो केवी टेम्पटर नेक्स्ट सर थर्ड यूनिट ऑफ सोगा इन शॉर्ट पागल है क्या पूरा थर्ड यूनिट कैसे पढ़ा सकते हैं डाउट्स पूछे सिर्फ कॉर्पोरेट व्हील नेक्स्ट कल्पना का मैसेज पढ़ रहा हूँ तनिष मैंने केवीटी में लिख दिया सर इन केस फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर रिमेन्स ऑन द ऑफिशियल असाइनी अरे वो उसको बेच के हिसाब किताब करेगा ऑफिशियल असाइनी जो होगा वो जितने इंसॉल्वेंट जो पार्टनर बन चुका है उसके जो असेट्स हैं उसको बेचेगा और सब सेटलमेंट करेगा कल्पना ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन नंबर 16 डन और कुछ भाई जल्दी बताओ आपने जो डाउट पूछे मैं सारे के सारे करवाऊंगा पक्की बात। इतना लिखा है मैंने इसके अलावा बताइए इतना लिखा हुआ है मैंने क्वांटम मेरिट एंड सिचुएशन विच क्वांटम मेरिट अराइजेस ठीक है एस्टोफेल लिखा ना मैंने शायद नहीं लिखा एस्टोफेल नहीं बाकी है बाजू में बनाता हूं मैं पार्टनर बाय एस्टोफिल नेक्स्ट लाइक कर दो वीडियो बेशर्मा सारे डाउट करवाऊंगा पूरे इंडिया में जहां से जो चैप्टर से जो पेज से जो डाउट आएगा मैं करवाऊंगा आपने अगर लाइक नहीं करा तो डाउट नहीं करवा रहा मैं सिर्फ 41 लाइक्स हैं 80 लोग देख रहे हैं 41 लाइक्स हैं बेशर्मा लाइक करो पहले तुम जो बोल रहे हो मैं सारे डाउट लिख रहा हूं सब कुछ करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा बट लाइक्स होने चाहिए सारे के सारे ठीक है आई कैन ओनली सी 41 लाइक्स क्यों कंजूसी करो इसके अंदर 80 प्लस लोग देख रहे हैं और सिर्फ आधे लाइक्स हैं 41 लाइक्स हैं बेशर्मो लाइक करो मैं सारे डाउट्स करवाऊंगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट सेक्शन नंबर 19 इम्प्लाइड अथॉरिटी नेक्स्ट एमओए एमओए एसोसिएट कंपनी नेक्स्ट लाइक आ जाने चाहिए भाई 80 प्लस लोग हैं और सिर्फ 45 लाइक्स हैं बेशर्मा भगवान सब देख रहा है। इम्प्लाइड अथॉरिटी लीगल सेल अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल नेक्स्ट टर्मिनेशन ऑफ लीन एंड राइट्स ऑफ एस्टोफेल एस्टोपेज इन ट्रांजिट
इजी पॉइंट तो है नित्या अग्रवाल, रमेश ऑफ लीन। नेक्स्ट अमन बोलता है पूरा लॉट आउट बेशरम। इंप्रा थ्री में लिख दिया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कहां डाउट है। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिकुअल प्रॉमिस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लाओ पूरे बुक में से कोई भी डाउट आएगा मैं करवा दूंगा, बट अगर लाइक नहीं हुए तो फिर मैं नहीं करवा रहा, मुझे लाइक चाहिए सबसे पहले भाई। 80 प्लस लोग देख रहे हैं, इट इज ओनली 55 लाइक्स। टाइप्स ऑफ कंपनी, ईश्वरी पागल है, टाइप्स ऑफ कंपनी इतना बड़ा टॉपिक है कैसे करवा सकते हैं। टाइम एज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। राइट्स ऑफ अनपेड सैलरी में लिख दिया ऑलरेडी, ब्रीच ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनपेड सैलरी में लिख दिया, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन। सीएफसी डाउट, बोलो अमन गुप्ता। अरे कल्पना रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब मैंने आपको वीट देने का वादा किया था, आपने मुझे पैसे देने का वादा किया था, मैं आपको वीट दे दूंगा आप मुझे पैसे दे दोगे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मैं कुछ करूंगा कॉन्ट्रैक्ट में, आप कुछ करोगे कॉन्ट्रैक्ट में। 83 लोग हैं एंड 57 लाइक्स हैं, बेशर्मो अभी भी बोलो लाइक कर दो। समय डाउट तो ले लो, आशु वापस डाउट टाइप करो आपका। सेक्शन 70 मिस्टेक्स वेजरिंग, वेजरिंग में कैसे डाउट हो सकता है यार, वेजरिंग तो कितना इजी टॉपिक है, आपने वेजरिंग के लिए देखना पड़ेगा मेरा। देख इसमें जो मैंने करवा दिया ना यूट्यूब पे वो डाउट मैं नहीं लूंगा, आपने फिर इन दैट केस मेरा यूट्यूब का लेक्चर नहीं देखा है, इसमें जो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ वो सब नहीं करवाने वाला। एक डाउट है प्राइमा फेसी एविडेंस, नेक्स्ट सेक्शन 27 इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसओपी लिख दिया प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट रॉन्ग रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी आंसर, ये कैसा क्वेश्चन हुआ सर। एलएलपी के अमेंडमेंट करवा दो, अभिषेक मुझे मैसेज ड्रॉप करवाना, मैं आपको शीट भेज दूंगा अमेंडमेंट की। ठीक है आई थिंक हो गया सब कुछ, सब कुछ हो गया, मैंने साइड आउट लिख दिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वी आर 82 पीपल लाइव एंड सिर्फ 61 लाइक्स हैं। असाइनमेंट और रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 आशु, ठीक है अग्रीमेंट या सेक्शन 27 लिखता हूँ ना, सेक्शन 27 ICA हो गया भाई, डन। मैं साइड आउट ले लिए, अब देख इसमें से मैं करवा चुका हूँ ना YouTube रिविजन लेक्चर में, उसको मैं हटा रहा हूँ, जो हमने करवा दिया वो वापस से नहीं करवा रहे सर ऑब्वियसली। नेमो डेट कॉड नहीं करवाया, सोगा नहीं, पासिंग प्रॉपर्टी नहीं, AOA नहीं, QA डेम्प्टी नहीं, कॉर्पोरेट अंडियन फेस नहीं, क्वांटम क्वांटम मेरिट मैंने करवा दिया, हटा रहा हूँ आपको, उसके लिए मेरा YouTube लेक्चर देखना पड़ेगा। उसके बाद फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन मैंने करवा दिया, हटा रहा हूँ सर उसको मैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने करवा दिया, मैं उसको हटा रहा हूँ, जो हमने करवा दिया आपको वो नहीं करवा रहे। सेक्शन 27 ICA करवा दिया नहीं करवा रहे, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया नहीं करवा रहे, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा सर जो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये सब मैंने नहीं करवाया तो मैं वो करवा दूंगा। ये क्या होता है रेस्पिरेशन, क्या होता है बे पागल। चलो स्टार्ट करें, नॉट वेटिंग एनी फर्दर, मुझे डाउट दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आई हैव 18 डाउट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं। एलएलपी का मैसेज है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी एंड डेजिग्नेट पार्टनर, लिख देता हूं मैं सेक्शन नंबर 7 डेजिग्नेट पार्टनर का। सेक्शन 7 एलएलपी लिखा 19 हो गए, केस तो मेंशन करें आंसर में एक बार तो बता दो सर। हाँ मेंशन करना है ना रजनी मीत, ऑब्वियसली करना है। हुएफ सा आपका डाउट लिख दिया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डॉक्टर ऑफ प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया हमने। एक और डॉग एड में बैन कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सर टाइम पास नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट ब्लॉक कर दूंगा आपको, ब्लॉक कर दिया मैंने, डन। बिल्कुल टाइम पास नहीं चाहिए, टाइम पास करा ब्लॉक। कंसिडरेशन अमन गुप्ता पूरा यूनिट कैसे करा सकते हैं यार, कंसिडरेशन आपने भाई लेक्चर देखना पड़ेगा। डेजिग्नेट पार्टनर वेदांश मैंने लिख दिया डाउट ऑलरेडी, सेक्शन नंबर 7 इज डेजिग्नेट पार्टनर ओनली एलएलपी का लिखा मैंने ऑलरेडी। फ्रॉड देवेंद्र आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स अंडर सोगा, नेक्स्ट टर्क ऑन रूल लिख दिया हमने अजय ऑलरेडी।
रजिस्ट्रेशन चेंजेस देयर इन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ईश्वरी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स ऐसा कितना गंदा आउट, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स लिखा, कंसिडरेशन इन्विटेशन टू ऑफर, लेक्चर देखना पड़ेगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। अब मैं डाउट नहीं ले रहा, हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, डाउट्स मैंने ले लिए, अब पहले इनको खत्म करते हैं उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। इतना खत्म करने के बाद आगे बात करेंगे, तो आपका अब मैसेज टाइप करना बंद हो जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एंड चेंजेस देयर इन कंपनी लॉ, उसमें कहाँ दिक्कत है तनीष, इम्प्लाइड वारंटी, डन। अब मैं मैसेज नहीं पढ़ रहा, इनविटेशन ऑफर मैंने लिख दिया सर, क्वांटम मेरिट नहीं, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी लिख देता हूं। अब मैसेज टाइप करना बंद हो जाना चाहिए सर, मैं अब मैसेज नहीं ले रहा आपके, टाइम अप टाइम अप, अब मैसेज लेना बंद कर रहा हूं। अपन 90 लोग हैं एंड 90 आउट ऑफ 90 पीपल दैट वी आर ऑनलाइन, लाइक्स आर 64, शर्म आ रही है तुमको, 90 में से 64 लाइक्स हैं, मतलब अभी भी 25-26 लोग हैं जो वीडियो देखने पर लाइक नहीं कर रहे। कॉर्पोरेट भी मैंने लिख दिया ऑलरेडी, अनमोल कॉर्पोरेट भी लिख दिया हमने, आशी डॉक्ट्रिन लिखा है ना बाबा, डॉक्ट्रिन और लिखा है ना यहाँ पे, ये तो रहा, आप देख तो लो मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे। ओके स्टार्टिंग नाउ, स्टार्टिंग नाउ, मैं कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ रहा, मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगा, तो आपको अब लिखना बंद करना है, यू जस्ट नीड टू लिसन, आपको लगता है कि आपको आता है तो भी आपको सुनना पड़ेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ आपको लाइफ में वैल्यूडेशन होगा, ठीक है। वी आर ऑलमोस्ट 100 पीपल नाउ ऑनलाइन, ऑल द लाइक्स 67 है, बट वी हैव टच्ड 100, आई एम स्टार्टिंग नाउ, मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ रहा सर अब। ओके स्टार्टिंग विथ सेक्शन नंबर 29 पार्टनरशिप, सुना सर प्लीज प्लीज प्लीज, मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ रहा अब। सेक्शन नंबर 29 क्या बोलता है सर, अगर पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, पार्टनर ने अगर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, मतलब तीन पार्टनर्स थे ए बी एंड सी, सी ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया टू डी, ठीक है, इन दैट केस डी जो है ना, डी डी को बोलेंगे ट्रांसफरी, डी को बोलेंगे ट्रांसफरी, सी ट्रांसफरर, डी ट्रांसफरी। तो सेक्शन 29 बात करता है डी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर डी के क्या अधिकार हैं, तो देख एक अधिकार है और तीन अधिकार नहीं है। सर अधिकार क्या है, आपको जो सी का जो हिस्सा था प्रॉफिट का वो अब डी को मिलेगा, वो रिसीव करने का आपका अधिकार है, दैट इज वन अधिकार दैट इज देयर फॉर ट्रांसफरी। तीन अधिकार नहीं है सर, कौन सा, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, आप आके डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हो सर एज अ ट्रांसफरी, आपके पास डिसीजन मेकिंग का पार्टिसिपेट करने का बिजनेस में कोई हक नहीं है। दूसरा आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग नहीं सकते, और तीसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज सेक्शन 29, सेक्शन 29 खत्म हो गया सर। तो जिसका भी डाउट था वी आर डन विद इट, आगे बात करते हैं, पहले छोटे छोटे मिटा देते हैं जो इजी इजी है उसको एक बार खत्म कर देते हैं। मैं आता हूँ डोरमेंट कंपनी के ऊपर, सेक्शन 455 कंपनी एक्ट 2013 जो छोटे हैं उसको निपटा रहा हूँ। डोरमेंट कंपनी क्या बोलता है सर, एक ऐसी कंपनी जो हमने इनकॉर्पोरेट तो कर दी है बट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, मतलब ऐसे समझ लो इकोनॉमी में अभी फिलहाल रिसेशन चल रहा है तो अभी बिजनेस करने का सेंस नहीं है, सेल्स नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, इससे अच्छा मैं क्या करूंगा बिजनेस बाद में स्टार्ट करूंगा। ऑल्दो मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, बिकॉज मुझे पता आगे बिजनेस तो करना ही है, तो कंपनी स्टार्ट करके कंपनी के नाम पर मैंने लैंड परचेस कर लिया, बट बिजनेस मैं अभी नहीं बाद में करूंगा। अब ये बात मुझे पता है, आरओसी को नहीं पता, तो मुझे आरओसी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि भाई देख मेरी कंपनी बन चुकी है पर मैं कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करता हूँ तो मुझे बोलेंगे डोरमेंट कंपनी, ठीक है। उसके एक्सेप्शन भी हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के एक्सेप्शन भी हैं सर, आपको एज पर लॉ कहीं पर आपने कुछ पेमेंट करा तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। सर आपने ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए फर्नीचर के लिए खर्चा करा सर, वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। सर आपने आरओसी को कोई फीस वीस पे करी वो भी नहीं है। सर आपने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करा वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। तो डोरमेंट कंपनी वो कंपनी जिसके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता है, और एक्सेप्शन दिए हुए हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के, मतलब एक्सेप्शन के अंदर जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना वो अगर आपने करे भी तो भी आपको डोरमेंट कंपनी ही माना जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट डोरमेंट कंपनी सेक्शन नंबर 455, वेरी इजी, काट दिया उसको मैंने। नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट पे आते हैं सर, जो आपका टाइटल है ना
वही टाइटल आप आगे पास ऑन कर सकते हो। मतलब अगर मैं चोरी से मैंने कोई गुड्स मेरे पास लिए हैं और अगर मैं उसको बेचता हूँ तो जिसको मैंने बेचा ना उसके पास भी चोरी का टाइटल ही जाएगा, मतलब उसके पास भी बैड टाइटल ही जाएगा। तो गुड टाइटल वाला गुड टाइटल ट्रांसफर करेगा, बैड टाइटल वाला बैड टाइटल ट्रांसफर करेगा। दैट इज नेमो डेट क्वाड। उसके अंदर थ्योरी है जो थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, एंड फिर उसके एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, फिर इजी करते हैं एक और, AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर बेसिकली कंपनी के अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी किस तरह गवर्न होगा, कंपनी किस तरह काम करेगा, दैट इज बेसिकली AOA। तो AOA बेसिकली होता है कंपनी और कंपनी के अंदर के लोगों के लिए कि हाउ एग्जैक्टली वी विल वर्क। MOA कैसा होता है, कंपनी एंड आउटसाइडर्स। AOA क्या होता है, कंपनी एंड इनसाइडर्स, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर केवे टेम्प्टर पे आते हैं, सर लेट द बायर बी अवेयर। अगर मैं कोई चीज़ लेने जाता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको अच्छे से चेक करने के बाद परचेज करूँ। आप केस ऑफ बुक के अंदर आपको मिल जाएगा वार्ड वर्सेस हॉब्स का। अगर मैं बिना इंस्पेक्ट करे नेग्लिजेंटली कोई परचेज करता हूँ तो मेरी गलती है। सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज एनीथिंग। ठीक है, सेलर कुछ भी डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं है। मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको चेक करके लूँगा। हाउएवर वी हैव एक्सेप्शंस, ऑब्वियसली उसके एक्सेप्शंस भी हैं, बट प्राइमा फेसी केवी अटेम्प्ट का मतलब ये हुआ, लेट द बायर बी अवेयर। आप अगर कुछ भी परचेस करते हो तो आपकी जिम्मेदारी उसको चेक करके परचेस करने का। अगर आपने चेक करके परचेस नहीं करा तो सर वो आपका प्रॉब्लम है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैंने केस लॉ का नाम बताया आपको, वार्ड वर्सेस हॉब्स, वो पिग वाला। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है सर सेपरेट लीगल एंटिटी। मालिक अलग है, मेंबर अलग है और कंपनी अलग है। केस लॉ का नाम सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी, जहाँ पे कोर्ट ने सर जजमेंट दिया था कि सर कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर डिस्टिंक्ट सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अगर कुछ काम करता है तो उसके लिए आप मेंबर्स को नहीं पकड़ सकते एंड वाइस वर्सा। अंडी इन्फ्लुएंस, सेक्शन नंबर 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, मैं करवा चुका हूँ फिर भी वापस बोल रहा हूँ। सर दो पार्टी के इसमें रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन इस तरह होना चाहिए कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सके, उसकी विल डोमिनेट कर सके और उससे खुद का फायदा उठा सके। तो तीन कंडीशन अंडी इन्फ्लुएंस के अंदर, सर देयर हैज़ टू बी रिलेशन। दूसरा, रिलेशन ऐसा हो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के विल को, इच्छा को डोमिनेट कर सके और उस डोमिनेशन से खुद का फायदा उठा सके। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, सेक्शन नंबर 16। ठीक है, एक और इजी करते हैं, पार्टनर बाय एस्टोफेल, सेक्शन नंबर 19 रेड विथ सेक्शन नंबर 22 इज पार्टनर बाय एस्टोफेल। ठीक है, सेक्शन नंबर की बात करूँ, इसकी बात करूँ 28 की बात करूँ, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड पार्टनर बाय एस्टोफेल इज ऑलमोस्ट वन इन द सेम। उसमें क्या होता है, दो केस हो सकते हैं। पहला केस, सर मैं एक फर्म का पार्टनर नहीं हूँ पर मैं चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बोल रहा हूँ कि मैं पार्टनर, मैं पार्टनर, मैं पार्टनर। अब मेरे इस स्टेटमेंट के भरोसे पे किसी ने पार्टनरशिप फर्म को गुड्स सेल करे ऑन क्रेडिट, तो अगर फर्म पे नहीं कर पाया तो मेरी भी लायबिलिटी आ जाएगी पे करने की। आई विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग माई स्टेटमेंट। वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेक्शन 28 का फर्स्ट हाफ हुआ। सेकेंड हाफ क्या बोलता है, सर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोल रहे हैं कि मैं पार्टनर हूँ जबकि मैं हूँ नहीं, वो लोग बोल रहे हैं मैं हूँ और ये बात मैं सुनकर भी चुप बैठा हुआ हूँ, तो आगे जाके अगर कोई लायबिलिटी राइज होगी तो मुझे भी पे करना पड़ेगा, आई विल ऑल्सो बी लायबल। तो दो केस हुए सर सेक्शन 28 के अंदर, होल्डिंग आउट के अंदर। मैं खुद झूठ बोल रहा हूँ तो मैं उसको बाद में मुकर नहीं सकता, कोई दूसरा झूठ बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ और चुप बैठा हूँ तो भी मेरी लायबिलिटी आ जाएगी। दैट इज पार्टनर बाय एस्टोफेल सेक्शन नंबर 28। इम्प्लाइड अथॉरिटी सेक्शन नंबर 19 रेड विथ सेक्शन नंबर 22 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो आपको सिर्फ इतना सा बोलता है कि सर अगर एक पार्टनर कुछ काम करता है तो वो बाकी सारे पार्टनर्स को एंड पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर लेता है। ऑल्दो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जहाँ पे पार्टनर बाकी पार्टनर्स को बाइंड नहीं करता है, और ए बी सी डी ई एफ जी एच करके आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है, वो पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। ठीक है, अनलेस आपने अलग से लिखा हुआ हो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। सर क्या क्या लिखा है वहाँ पे, सर वहाँ पे लिखा है कि एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, फर्स्ट पॉइंट। सर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे वो बेच नहीं सकता फर्म की, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, सर कोर्ट में जाके वो फर्म के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी, कोई क्लेम एडमिट नहीं कर सकता। सर कोर्ट में जाके वो किसी केस को रिजेक्ट नहीं कर सकता, मतलब फर्म ने किसी के ऊपर केस फरका था और वो जाके उसको कैंसिल कर देता है, नॉट अलाउड। सर पार्टनर खुद के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। सर पार्टनर बाकी फॉर्म्स के, पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ पे किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। सर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, मतलब केस आर्बिट्रेशन में डाल नहीं सकता। एंड कॉम्प्रोमाइज़ या रेलिंक्विश ऑफ क्लेम नहीं कर सकता, मतलब मुझे किसी से 1,00,000 रुपये लेने हैं पार्टनरशिप फॉर्म को
तो पार्टनर जाकर ऐसा नहीं बोल सकता सामने वाले को, तो एक काम कर तू 1 लाख में से 70,000 दे दे, बाकी 30,000 माफ, नॉट अलाउड। तो ए से लेके एच सारे पॉइंट मैंने बोल दिए, सेक्शन 19 रेड विद सेक्शन 22 इम्प्लाइड अथॉरिटी पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर मैं फर्म के बिहाफ पे फर्म का कोई इमोबल प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता, फर्म के बिहाफ पे कोई इमोबल प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता बिना पार्टनर्स के कंसेंट के, एंड मैं खुद के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, मैं पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, मैं कोर्ट में जाके कोई क्लेम एडमिट नहीं कर सकता, मैं कोर्ट में जाके कोई केस सेटल नहीं कर सकता, मैं आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकता आर्बिट्रेशन, एंड आखिरी कॉम्प्रोमाइज रिलिंक्विश नहीं कर सकता किसी क्लेम को। ठीक है, 8 पॉइंट होते हैं सेक्शन 19 रेड 22, खत्म। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए के अंदर बेसिकली वी बेसिकली हैव 6 क्लॉजेस। सर याद कैसे करेंगे, एक सीए था वो रो रहा था बिकॉज उसकी मार्केट में लायबिलिटी बहुत बढ़ गई थी और उसका नाम खराब हो गया था। आई रिपीट, एमओए के क्लॉजेस बोल रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ एमओए सेक्शन नंबर 4। सर एक सीए था वो रो रहा था बिकॉज उसका मार्केट में लायबिलिटी बहुत बढ़ गया था जिसकी वजह से उसका नाम खराब हो गया था। सीए के अंदर सी कैपिटल क्लॉज, ए एसोसिएशन क्लॉज, आर रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ओ ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, नेम क्लॉज, 6 क्लॉजेस होते हैं। ओपीसी में एक अलग भी होता है, बाकी 6 क्लॉज होते हैं एमओए के अंदर। सर कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा हुआ होता है, कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल। सर एसोसिएशन में, एसोसिएशन क्लॉज में क्या लिखा हुआ होता है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका नाम, उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं और उनका साइन ऑफ डेट। सर रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में क्या लिखा होता है, नेम ऑफ द स्टेट जहां पे आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। सर ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा होता है, कंपनी क्या क्या काम कर सकता है, वो सब ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है। उसके बाहर आपने कुछ काम करा तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस लग जाएगा, एशबरी रेलवे कैरेज एंड रिची आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची 1875, दैट इज एमओए, खत्म। एसोसिएट कंपनी 2 क्लॉज 6, अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो सामने जो कंपनी ना, सामने दबी हुई कंपनी, उसको बोलेंगे एसोसिएट कंपनी। तो कंपनी एक्स का कंपनी वाई के अंदर 20% और मोर होल्डिंग है, वोटिंग पावर है, तो जो सामने वाली कंपनी है उसको बोलेंगे एसोसिएट कंपनी, क्योंकि वो दबा हुआ कंपनी है। कंडीशन क्या है, सिर्फ 2। सर आपका उसके ऊपर हम तब ऐसा बोलेंगे, अगर आपका 20% या उससे ज़्यादा होल्डिंग है तो हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, या उसके डिसीजन मेकिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो तो भी हम बोलेंगे उसको एसोसिएट कंपनी, तो इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। तो एसोसिएट कंपनी के लिए 2 रिक्वायरमेंट, कंपनी एक्स कंपनी वाई के अंदर एटलीस्ट 20% होल्ड करती हो वोटिंग पावर, तो कंपनी वाई बनेगा एसोसिएट कंपनी, या फिर मैं कंपनी एक्स उस कंपनी वाई के डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता हूँ तो उस कंपनी वाई को बोलेंगे एसोसिएट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 6 कंपनीज एक्ट 2013, खत्म हो गया। नेक्स्ट किसने पूछा, प्राइमा फेसी एविडेंस, एग्जाम्पल लेते हैं। सर लेट्स से मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम से जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरा मोबाइल चोरी हो चुका है, मेरा मोबाइल यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ। अब पहली बार में मेरा जो डाउट है, मेरे को जो शक हुआ, ठीक है, वो हुआ यहाँ का जो पियोन था उसके ऊपर कि इसी ने चुराया होगा। पर जब मैंने सीसीटीवी कैमरा देखा तो मुझे पता पड़ा कि नहीं, ये तो किसी बच्चे ने चुराया है। तो जो मैंने पियोन के ऊपर शक किया था उसको बोलते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस, मतलब इट इज़ नॉट अ फाइनल वन। जो मैंने सीसीटीवी में देखा उसको बोलते हैं कंक्लूसिव एविडेंस, मतलब वो फाइनल है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब पहली बार में या एट द फर्स्ट इंस्टेंस, उसको बोलते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस। जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया। सेक्शन 7 ऑफ LLP बात करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में। एक LLP के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे के सारे कंप्लायंसेस करने के लिए। तो LLP के जितने भी कंप्लायंस होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फाइल करना, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, ये सब डेजिग्नेटेड पार्टनर संभालता है। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है कि सर ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, सिर्फ इंडिविजुअली डेजिग्नेट पार्टनर बन सकता है। और अगर LLP के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है तो बॉडी कॉर्पोरेट को एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, वो विल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए जिसमें से एटलीस्ट 1 शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। सेक्शन 7 LLP का खत्म। फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, 6 होते हैं। उसमें इनकमिंग पार्टनर सबको आता है सर, जो पार्टनर अंदर एंटर कर रहा है वो इनकमिंग पार्टनर, उसके एंटर करने के पहले जो भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे उसके लिए वो लायबल नहीं। आउटगोइंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है, उसके जाने के बाद जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसके लिए वो लायबल नहीं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ऑलरेडी सिखा दिया मैंने। फिर आता है सर एक्टिव पार्टनर।
अ पार्टनर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उसको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, एंड उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है अपॉन रिटायरमेंट. अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो ही कंटिन्यूज टू बी लायबल. सिर्फ एक्टिव पार्टनर के केस में आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है. देन वी हैव डॉर्मेंट पार्टनर. एक्टिव पार्टनर का उल्टा सर, जो पार्टिसिपेट नहीं करता डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है, उसको पब्लिक नोटिस भी नहीं देना पड़ता ऑन रिटायरमेंट. फिर आता है नॉमिनल पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जिसने पार्टनरशिप फर्म को अपना नाम लेंड करा है. नाम लेंड करना मतलब अपना गुडविल देना, जिससे पार्टनरशिप फर्म का लोगों पर भरोसा बढ़ जाए. ऑल्दो नॉमिनल पार्टनर इज नॉट बाउंड टू रिसीव द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ही कंटिन्यूज टू बी लायबल जस्ट लाइक एवरी अदर पार्टनर. उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर. सिर्फ नाम दिया है उसने अपना, लायबिलिटी उसकी रहती है बाकी पार्टनर्स की तरह, और वो प्रॉफिट्स के अंदर हिस्सा नहीं लेता है. खत्म. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, टाइप्स ऑफ डिलीवरी में नंबर टू कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. सर गुड्स पड़े हैं वेयरहाउस के अंदर, ठीक है, अब मेरे वेयरहाउस के अंदर गुड्स पड़े हुए हैं, मैंने वो गुड्स किसी को बेच दिए, तो हम यहाँ पे फिजिकल एक्चुअल डिलीवरी नहीं कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, जो गोडाउन की चाबी है वो जिसने माल खरीदा उसको हम चाबी दे देते हैं, तो गुड्स वहीं पड़े हुए हैं, हिले ही नहीं बिल्कुल भी, पर फिर भी ऐसा बोलेंगे कि डिलीवरी हो गई, फ्रॉम सेलर टू द बायर डिलीवरी हो गई. माल अभी भी गोडाउन में पड़ा हुआ है, माल का मूवमेंट नहीं हुआ, बट फिर भी डिलीवरी हो गई. दैट इज कंस्ट्रक्टिव, मान लेना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया. सर कितने सारे मैंने आपको करवा दिए ऐसे ही ओरली. रवि का मैसेज है सर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, अरे जो हिस्सा मुझे मिल रहा था वो किसी और को मिलेगा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. तो काफी सारे आई थिंक 50% डाउट मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिए. ऑल दो लाइक सिर्फ 82 लाइक्स आए हैं, ठीक है, हम लोग 100 प्लस देख रहे थे, फिर भी लाइक एटलीस्ट सिर्फ 82 आए हैं. सर आप तो 13 सेक्शन और केस लॉ कैसे याद करें, ईशान आते हैं ना उसके ऊपर. नरेश थैंक यू सर, सर मैं लॉ का पेपर आप दे दो, पागल है क्या. सर आ लॉ का पेपर कैसा आएगा, इजी है एवरेज है हार्ड. नरेश मेरे हिसाब से लॉ का पेपर विल बी वेरी इजी, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस का, पेपर विल बी वेरी इजी. आपने अगर थोड़ी भी मेहनत कर ली तो आप पास हो जाओगे. सर वॉइस लो है, नहीं वॉइस लो नहीं है, ठीक है, वॉइस बराबर ही है. आगे बढ़ रहे हैं. बेशर्मो 50% डाउट क्लियर कर दिए विद इन 15 मिनट्स. लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, आई कैन सी ओनली 84 लाइक्स, सिर्फ 84 लाइक्स हैं. इनकेस लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर दो. सर MOA का लाइन वापस रिपीट कर दीजिए. सर MOA के अंदर क्लॉजेस होते हैं 6, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, नेम क्लॉज. CA था, रो रहा था बिकॉज उसका लायबिलिटी बढ़ गया था और नाम खराब हो गया था. C से कैपिटल क्लॉज, जिसके अंदर कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा होता है. एसोसिएशन क्लॉज, प्रमोटर्स का नाम और कितने शेयर्स उन्होंने लिए हैं, उनका साइन और डेट. रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में स्टेट का नाम लिखा होता है जहाँ पर आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है. ऑब्जेक्ट क्लॉज में आप कौन कौन से काम कर सकते हो एज अ कंपनी. नेम क्लॉज में आपके नाम के पीछे लिखा होगा लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड. और लास्ट कौन सा, लायबिलिटी क्लॉज, 2 क्लॉज 21 है, 2 क्लॉज 22 है या 2 क्लॉज 92 है, मतलब लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है. खत्म. सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देना आशी, पहले ये तो खत्म कर लूँ प्लीज. चलो आगे बढ़ रहे हैं, इतना सब मैंने खत्म कर दिया. आई एम मूविंग टूवर्ड्स अनपेड सेलर. सर अनपेड सेलर क्या होता है, देख तीन पॉइंट है. मैंने आपको माल बेचा, या तो आपने बिल्कुल रुपया मुझे दिया नहीं, ठीक है, मैंने आपको 10,000 का गुड सेल करा, आपने मुझे 10,000 रुपीज़ नहीं दिए, मैं अनपेड सेलर. सर आपने 5,000 दिए, 5,000 नहीं दिए, तो भी मैं अनपेड सेलर. सर आपने मुझे चेक दिया पर वो चेक बाउंस हो गया, तो भी मैं अनपेड सेलर. तो तीन केस में अनपेड सेलर बनता है. सर मैंने आपको माल बेचा, मैं सेलर, आपने मुझे पैसा नहीं दिया, एक भी रुपया नहीं दिया, मैं अनपेड सेलर. सर आपने आधा पैसा दिया, आधा नहीं दिया, तो भी मैं अनपेड सेलर. सर आपने मुझे चेक दिया पर चेक बाउंस हो गया, तो भी मैं अनपेड सेलर. खत्म. डन. अब सब बड़े बड़े बचे. मैं आ रहा हूँ डॉक्ट्रिन के ऊपर. आई थिंक मैंने डॉक्ट्रिन सिखाया था यार, मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है. हमने पता है ताज का एग्जांपल लिया था, प्लीज मुझे कोई रिमाइंड करा सकता है क्या. हमने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर हमने ताज होटल का एग्जाम्पल लिया था. कैन एनीवन रिकॉल प्लीज, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, मेरे हिसाब से हमने इसको करा था यार. प्लीज कैन एनीवन कंफर्म, प्लीज 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 कोई कंफर्म कर सकता है. हमने मेरे हिसाब से डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट किया था. कैन यू कंफर्म प्लीज. मैं वेट कर रहा हूँ, मैसेज देख रहा हूँ मैं आपके. देख अमी ने बोल रहा है यस किया था, एक्सेप्शन में करवा देता हूँ, ठीक है. ईशा ने बोला था हमने किया था, मुझे अभी भी याद है यार हमने किया था. कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा. हाँ देख कल्पना का मैसेज आ गया,
यस सर, ताज में पार्टी वाला हमने करा था, पता है हमने कब करा था? जब हमने पेपर सॉल्व किया था तब हमने करा था इसको। चल कोई नहीं, मैं वापस करवा देता हूँ, कोई नहीं वापस करा। एक मैसेज है लक्ष्मी देवी का, सर व्हाट इज अनकंडीशनली अप्रोप्रिएशन? मैंने कैरियर को, मतलब ट्रक वाले को मैंने गुड्स दिए और बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के मैंने उसको बोला कि जाके सामने वाले को ये माल दे देना, दैट इज अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। उसका अपोजिट क्या होगा? कंडीशनल, मतलब सपोज मैं उसका ऐसा बोलूँ कि सामने वाला अगर पैसा देगा तो ही आप माल देना, दिस इज नॉट अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड मतलब मैंने कुछ भी नहीं कंडीशन डाली है, उसको बस बोला कि तू सामने वाले को जाके माल दे देना, दैट इज अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। ठीक है, मैं डॉक्ट्रिन वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं डॉक्ट्रिन वापस रिपीट कर रहा हूँ, बेशर्मो पढ़ा दिया फिर भी वापस से पढ़ा रहा हूँ। लाइक कर देना, लाइक नहीं करा दो, कमेंट तुम लोग करते नहीं हो, लाइक तो कर दो बेशर्मो। मैं देख रहा था कमेंट्स, खाली 5, 10, 15 कमेंट होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 2,000-3,000 व्यूज मियरली 10-15 पीपल कमेंट, बाकी लोग कमेंट ही नहीं करते। हाँ अंचल, मैंने आंचल मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, एक्सेप्शन ऑफ नेमो डेट क्वाड मैंने पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। चिल, मैं लिख दूंगा उसको यहाँ पे, पहले मैं डॉक्ट्रिन सिखा रहा हूँ, ठीक है, वापस से हमने डिस्कस किया था, बट फिर भी मैं उसको वापस से करवा रहा हूँ। देख, सपोज सपोज एक रेस्टोरेंट है ताज, ठीक है, ऑल्दो द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट ऑफ ताज, वन ऑफ माई फेवरेट इज शामियाना, बट मैं अभी से ताज लिख रहा हूँ, ठीक है। ताज के अंदर खाना खाने गए और तीन जन बेसिकली यहाँ पे खाना खा रहे थे, ठीक है। एक जन यहाँ पे खुद को खाना सर्व कर रहा था, बुफे था बुफे, उसने देखा कि सर बुफे के अंदर तीन आइटम वेज है पर एक आइटम नॉन वेज थी, एक आइटम नॉन वेज थी, तो उसको बहुत गुस्सा आया, ठीक है, वो झगड़ा करने लग गया। एंड मैनेजर आया वहाँ पे कि सर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो उसने बोला कि हमको तो यहाँ पे वेज खाना था, तो यहाँ पे नॉन वेज आप कैसे सर्व कर सकते हो? वेटर ने बोला कि सर आप इस गेट से अंदर घुसे थे, उसने बोला हाँ भैया मैं घुसा तो इस गेट से ही था। तो वो बोलता है सर देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था वेज स्लैश नॉन वेज, वेज स्लैश नॉन वेज, तो बहुत ऑब्वियस था कि आपको पता होगा कि यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर वेज और नॉन वेज दोनों ही मिलता है, ठीक है, ऐसा अज्यूम है, और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। ऑब्वियसली मैनेजर सही बोल रहे हैं, ठीक है, मुझे एंटर करते टाइम देखना चाहिए था रेस्टोरेंट के अंदर वेज नॉन वेज लिखा है कि प्योर वेज लिखा है, क्या लिखा हुआ है, अगर मैंने नहीं देखा तो मेरी गलती है, सबको समझ में आता है इतना। अब इसको अपन लॉ के पॉइंट से पढ़े तो दिस इज बेसिकली कंपनी, वेज इज बेसिकली एमओए, नॉन वेज इज बेसिकली एओए, और हम हो गए आउटसाइडर्स। तो आउटसाइडर्स जब कंपनी के साथ डील करेंगे तो आउटसाइडर्स की ड्यूटी है कि वो कंपनी का एमओए एंड एओए दोनों पढ़ ले और समझ ले। हम तो ऐसा मान के चलेंगे एज अ कंपनी कि आउटसाइडर ने हमारे कंपनी का एमओए एओए पढ़ लिया और समझ भी लिया। अगर आउटसाइडर एमओए एओए नहीं पढ़ता तो वो आउटसाइडर का प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्टिव मतलब मान लेना, नोटिस मतलब पता होना। हमने मान लिया कि आपको पता है सर क्या कंपनी का एमओए एओए, तो आप एज एन आउटसाइडर जब कंपनी के साथ डील करोगे तो हमें सब मान के चलेंगे कि आपने कंपनी का एमओए एओए पढ़ भी लिया और समझ भी लिया। आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं समझा, तो आपका प्रॉब्लम है, खत्म। आगे बात करते हैं, देन वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सपोज मैंने ये साइन बोर्ड पढ़ा था, मैंने साइन बोर्ड पढ़ा था कि सर यहाँ पे वेज नॉन वेज खाना दोनों मिलता है। नाउ आई कम टू नो कि सर किचन के अंदर जो शेफ है उसके हाथ में एक चम्मच है, वो चम्मच से नॉनवेज करी को ऐसे पका रहा है, उसी चम्मच को बाहर निकाल के वो वेजिटेबल करी को ऐसे पका रहा है, और उस चम्मच के अंदर चिकन विकन के भी एलिमेंट्स आ गए। नाउ वो ब्राह्मण लाइक मी वो इज प्योर वेजिटेरियन, दिमाग खराब हो जाएगा सर, ठीक है, मैं किचन में देख रहा हूँ कि वो शेफ जो है नॉनवेज खाना ऐसे पका रहा है, उसके हाथ में चम्मच है, उससे वो चिकन को अलग से बना रहा है, उसी चम्मच को बाहर निकाल के वो वेजिटेरियन चम्मच वेजिटेरियन यूटेंसिल के अंदर सब्जी बना रहे हैं, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो मैंने कन्फ्रंट करा मैनेजर को। अब मैनेजर क्या बोलता है मुझे पता है, सर यहाँ पे तो वेज नॉन वेज दोनों मिलता है तो वो तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे खाना भी एक साथ ही बनता होगा। नहीं, ये तो गलत है ना। आई एज एन आउटसाइडर कैन अज्यूम कि कंपनी के अंदर जो भी हो रहा है वो एज पर एमओए एओए एज पर कंपनीज एक्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे एज एन आउटसाइडर नहीं पता हो सकता कि कंपनी की चार दीवार के अंदर क्या चल रहा है। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मी एज एन आउटसाइडर कैन अज्यूम दैट कंपनी विल बी वर्किंग एज पर एमओए एओए एंड एज पर कंपनीज एक्ट।
और अगर कंपनी ऐसा नहीं कर रहा तो वो कंपनी का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि सब ठीक हो रहा होगा बिकॉज मैं तो आउटसाइडर हूँ, हाउ कैन आई कम टू नो कि सर चार दीवार के अंदर क्या चल रहा है। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। द फेमस केस लॉ दैट वी हैव इज रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड, होपफुली आपको ध्यान होगा। तो नीतीश कुमार स्पैम करना बंद करो, मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, तो आप थैंक यू मैसेज टाइप कर सकते हैं 10 बार डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट लिखने से अच्छा यू कैन नाउ टाइप जस्ट के हाँ सर समझ में आ गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट नीतीश कुमार जल्दी से टाइप कर देना। देन उसके एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन बोलता है सर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मतलब मुझे अगर पता है कि वहाँ पे ताज के अंदर वेज और नॉन वेज दोनों एक ही यूटेंसिल में बनता है और फिर भी अगर मैं ताज में जाऊँ तो वो तो मेरी गलती है ना, तो वो एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट में आ जाता है। दूसरा पॉइंट बोलता है सस्पिशन। एग्जाम्पल लेते हैं, आप सपोज यहाँ पे फीस पे करने आए और यहाँ पे ऑफिस में कोई था नहीं, ठीक है, यहाँ पे ऑफिस में कोई था नहीं, तो आपने क्या करा वॉचमैन को फीस पे कर दी क्योंकि वॉचमैन ने बोला कि आप मुझे फीस पे कर दो 50,000 रुपीस, मैं डिपार्टमेंट को दे दूंगा, और आपने उसको 50,000 पे कर दिया, तो ये तो आपकी गलती है ना। आपके दिमाग में से सस्पिशन आना चाहिए ना कि हाउ कैन अ वॉचमैन टेक 50,000 अमाउंट ऑफ सैलरी ऑफ फीस जो उसकी सैलरी से भी ज़्यादा है, वो आपसे कैसे रिसीव कर सकता है और कैसे वो डिपार्टमेंट को दे देगा। तो आपके दिमाग में सस्पिशियसनेस आनी चाहिए थी, अगर नहीं आई तो आपका प्रॉब्लम है कि आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। वी हैव अ केस लॉ आनंद बिहारी लाल वर्सेज डिंशॉ, ठीक है, इसके अंदर। एंड द लास्ट वन इज फॉर्जरी एक्सेप्शन के, द लास्ट वन इज फॉर्जरी रुबेन वर्सेज ग्रेट फिंगाल कंसोलिडेटेड, जहाँ पे ऐसा लिखा है कि सर अगर कोई फॉर्जरी होती है इट इज़ नल एंड वॉइड, ना कंपनी की गलती ना बाहर वाले की गलती, जिसने फ्रॉड किया उसकी गलती। तो आपको मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा दिया एंड एक्सेप्शंस भी पढ़ा दिए, होपफुली इट इज़ नाउ क्लियर। हाँ अमन गुप्ता, AOA इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, AOA इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, यस। तो आई होप इट इज नाउ क्लियर। नितेश का मैसेज आ गया, यस सर, थैंक यू सर, माशाल्लाह। हाँ पब्लिक डॉक्यूमेंट है नितेश, MOA AOA बोथ ऑफ देम आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो हमने एक और डाउट खत्म करवा दिया आपका डॉक्ट्रिन वाला, ठीक है। अब बचा क्या, आई थिंक बहुत कम बचे, असाइनमेंट ऑफ प्राइस, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेल वर्सेज अग्रीमेंट टू सेल, टर्मिनेशन ऑफ लीन, अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड इम्प्लाइड वारंटी, सिर्फ इतना बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओनली 6 डाउट्स आर लेफ्ट। बेशर्मो लाइक कर दो अब तो, आई कैन सी ओनली 94 लाइक्स, 100 तो फटाक से खत्म कर दो लाइक्स, ठीक है। हमारे लेक्चर को स्टार्ट हुए 35 मिनट्स भी नहीं हुए और मैंने अराउंड 15 डाउट क्लियर कर दिए, 15 डाउट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 डाउट्स क्लियर्ड इन 35 मिनट्स। दो मिनट में एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ, दो मिनट में एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ, इतना स्पीड इतना एफिशिएंसी मेरे पास। तो बेशर्मो लाइक करो वीडियो को, अब तक अगर लाइक नहीं करा तो, आई कैन सी 95 लाइक्स, दैट्स इट। कल्पना सोवरेंस एंड डिप्लोमेट्स बेसिकली उनके अलग नियम कानून होते हैं, तो दे आर डिसक्वालीफाइड, ठीक है, बेसिकली फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, उनके अलग नियम कानून होते हैं। कल्पना आई होप इट इज नाउ क्लियर। लक्ष्मी देवी का मैसेज है सर डिफरेंस बिटवीन गारंटी कंपनी एंड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, दीदी सेक्शन 2 क्लॉज 21 एंड 2 क्लॉज 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 2 क्लॉज 21 क्या बोलता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है तो कंपनी का जो प्रमोटर होता है वो ऐसा गारंटी देता है दैट इफ इन फ्यूचर कभी कंपनी बंद हुआ एंड द असेट्स आर असेट्स फॉल शॉर्ट फॉर पेइंग लाइबिलिटी, इन दैट केस वो प्रमोटर अपने घर से पैसा लेकर आएंगे टू पे ऑफ द लाइबिलिटी, दैट इज लिमिटेड बाई गारंटी। अब उन्होंने जितना गारंटी दिया ना, उन्होंने जितना वादा करा उसके ऊपर वो कुछ भी नहीं लेकर आएंगे। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या बोलता है, कंपनी के पास अगर शेयर कैपिटल है इन दैट पर्टिकुलर केस जो अनपेड अमाउंट है शेयर के ऊपर, मतलब 10 रुपये का फेस वैल्यू था, कंपनी ने 6 रुपीज मंगाया, 4 रुपीज नहीं मंगाया, तो एज अ शेयर होल्डर माई लाइबिलिटी इज ओनली 4 रुपीज, दैट इज अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, आई एम नॉट बाउंड टू पे इवन अ सिंगल पेनी ओवर एंड अबव 4 रुपीज। आई होप द डाउट इज क्लियर, लक्ष्मी देवी होपफुली डाउट इज क्लियर, प्लीज लेट मी नो सो आई कैन कम टू नो ओके आई हेल्प्ड यू। नीतीश कुमार भाई सिखा दिया डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक्सेप्शन दोनों सिखा दिया, क्या कर रहे हो, कौन से नशे कर कर आए हो, ब्रेड के ऊपर एवडेक्स लगा के खा कर आए हो क्या, अभी अभी तो सिखाया पागल। लक्ष्मी देवी आई होप योर डाउट इज क्लियर। एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी इज 2 क्लॉज 6, सब्सिडियरी कंपनी इज 2 क्लॉज 87। एसोसिएट कंपनी के अंदर द
पावरफुल कंपनी दैट इज इन्वेस्टमेंट कंपनी उसका स्टेक होता है 20% और मोर, और सब्सिडी कंपनी के अंदर होल्डिंग कंपनी का स्टेक होता है मोर देन 50%. तो इट्स अ मेजर डिफरेंस है सर, 20% और 50% से ज़्यादा का बिटवीन एसोसिएट एंड सब्सिडी कंपनी. आई होप डिफरेंस इज क्लियर सौरभ मजूमदार. आई होप डिफरेंस इज क्लियर सर. सर मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म भी समझा दो एक बार. आकाश दवे का मैसेज है सर, आपको सेक्शन नंबर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए टुवर्ड्स दी एंड. ठीक है, जैसे 44 हो गया कंपलसरी डिसोल्यूशन वो सब, उसके साथ आपको मिलेगा ये पॉइंट जहाँ पर मैंने ऐसा डिस्कस किया है कि सर जब हम पार्टनरशिपों को बंद करेंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल पे आउटसाइड लाइबिलिटीज. जो भी हमारे पास असेट्स हैं उसको बेच के जो पैसा आया, द फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज वील पे ऑफ द आउटसाइड लाइबिलिटीज. आफ्टर दैट अगर पैसा बचा तो वी विल पे ऑफ लोन ऑफ द पार्टनर्स. उसके बाद अगर पैसा बचा तो वी विल रीपे कैपिटल ऑफ द पार्टनर. एंड उसके बाद भी कुछ बचा तो पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दैट इज मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. आई होप वी आर क्लियर. किसका मैसेज था? आकाश दवे. आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा सर एंड यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ. प्लीज लेट मी नो. सौरभ अगर 50% होगा तो हम उसको एसोसिएट कंपनी बोलेंगे. मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी, मैं उसमें होल्ड कर रहा हूँ एग्जैक्ट 50%, तो वो एसोसिएट कंपनी होगा. ठीक है, मोर देन 50% पे होल्डिंग सब्सिडी बनता है. सौरभ आर वी क्लियर? आई हैव अ मैसेज सर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है मैंने यहाँ पे. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा. देख, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, उसके एक्सेप्शन भी हैं. ऑल्दो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके और मेरे बीच में, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो आप मेरे ऊपर सू कर सकते हो. अगर आपने कुछ गलत किया तो मैं आपके ऊपर सू कर सकता हूँ. आउटसाइडर आपको या मेरे को सू नहीं कर सकता. दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर. आई होप वी आर क्लियर. किसका डाउट था? ईशान का डाउट था. ईशान आई होप यू आर क्लियर. सौरभ का थैंक यू मैसेज आ गया. नीतीश का मैसेज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. नीतीश आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो जाके देखो प्लीज. जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो डाउट नहीं आ सकते, मतलब आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है. कस्तूरी का मैसेज हेडली वर्सेज बैक्सेंडेल. दीदी स्पेशल डैमेज का केस हुआ है, प्लीज जाके मेरे लेक्चर्स देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आके, आपको समझ में आ जाएगा. मनी डी लफी का मैसेज है सर, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस में कन्फ्यूजन होता है. देख, अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा ऑन दैट स्पेसिफाइड टाइम. अगर प्लेस स्पेसिफाइड है तो मुझे उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा. अगर स्पेसिफाइड नहीं है टाइम तो रीजनेबल टाइम में मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा. आई होप वी आर क्लियर. किसका डाउट था? कांगे पे डाउट किसका था वो डाउट? नेक्स्ट पे आता हूँ. मनी का था. मनी आई होप वी आर क्लियर. परफॉर्मेंस ऑफ रेसिकल प्रॉमिस. सौरभ का डाउट है, मुझे आपको वीट सेल करना है, आपको मुझे पैसा देना है. मैं वीट दूंगा, आप मुझे पैसा दोगे. दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस. मैं आपके लिए कुछ करूंगा, आप मेरे लिए कुछ करोगे. रेसिप्रोकल प्रॉमिस. हाँ नरेश, नरेश गेम इट इज इनफ. नरेश इट इज इनफ, डोंट वरी. एक्सेप्शंस ऑफ नेमो डेट क्वाड. हाँ मैं आता हूँ उसके ऊपर भी. ठीक है सर, सब्सिडी कंपनी को असोसिएट कंपनी बोल सकते हैं? नहीं ना बाबा, सब्सिडी कंपनी वो होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी का मोर देन 50% स्टेक होता है. एसोसिएट कंपनी वो होता है जिसके अंदर 20% से लेके 50% तक स्टेक होता है. तो बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट. सर सोगा पार्टनरशिप कंपनी से पास हो जाऊंगा. अमन चांसेस हैं, बट आपको थोड़ा बहुत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स तो करना पड़ेगा. सर डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड रिसेशन. सौरभ का मैसेज है, डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड रिसेशन. देख, नोवेशन का मतलब क्या होता है? इट इज सब्स्टिट्यूशन. पुराना कॉन्ट्रैक्ट गया, नया कॉन्ट्रैक्ट आया, दैट इज कॉल्ड बेसिकली नोवेशन. रिसेशन के अंदर क्या होगा? आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कैंसिल कर रहे हो. मे नॉट बी नेसेसरी कि नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, दैट इज रिसेशन. पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है एंड उसके बदले नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, दैट इज नोवेशन. आई होप वी आर क्लियर. क्वेश्चन था सौरभ का. सौरभ आई होप वी आर क्लियर. फिर एक मैसेज है, मर्जर ऑफ राइट्स. देख, सुपीरियर राइट्स से इन्फीरियर राइट्स ओवर पावर हो जाएंगे. जैसे अगर मैं किसी आपके बुक का एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं अगर टेनेंट हूँ और मैं अगर रेंट पे कर रहा हूँ उसी प्रॉपर्टी को, अगर मैं खरीद लेता हूँ तो आई नीड नॉट पे रेंट बिकॉज नाउ आई हैव अ सुपीरियर राइट ऑफ ओनरशिप. सो मैं रेंट पे नहीं करूँगा. आई होप वी आर क्लियर. मनी अमन एटलीस्ट बेसिक्स कर लेना. देवांश बोलते हैं सर राइट ऑफ लीन एक्सप्लेन करो.
मेरे पास प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, पर गुड्स अभी भी पड़े हुए हैं सेलर के पास, अगर बायर पैसा नहीं दे रहा या मुझे डाउट है कि वो पैसा नहीं देगा, तो मैं उसको गुड्स दूंगा ही नहीं, मैं गुड्स अपने पास ही रख लूंगा। इसको बोलते हैं लीन, लीन एक्सरसाइज करना, राइट ऑफ लीन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्ट्स का मतलब होता है सर सिविल रॉन्ग, अगर कोई लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट्स दिया हुआ है माइनर वाले पॉइंट के अंदर, यूनिट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1, सिविल रॉन्ग, अगर कोई माइनर कुछ गलत काम करता है तो उसको अपन लायबल ठहराएंगे, ठीक है, उसको फ्री नहीं करेंगे। लक्ष्मी देवी, नो दे आर डिफरेंट, इट इज बेसिकली सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सेक्शन 56 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट बना था एवरीथिंग वॉज गुड, बट आगे जाके कुछ दिक्कत आ गई। माई रोएश, डाउट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, फॉरेन सॉवरेन डिप्लोमेट्स वाला डाउट क्लियर हो चुका है। नरेश, डिफेंस कर लेना, आओ बचाओ पाठ करते हैं सर। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, देख पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो ओनर है, ओनर जो पहले था सेलर, नाउ बायर इज द ओनर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। वी हैव ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है, ओनरशिप। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है, पोजेशन। तो अगर मैं आपको पोजेशन देता हूँ, गुड्स मेरे हैं, तो आई हैव जनरल प्रॉपर्टी बट यू हैव स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप चेंज होना। फिर इम्प्लाइड वारंटी, यार इसको तो बहुत ईजी है, सेल्स ऑफ गुड्स में पढ़ा होना चाहिए, इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये तो होगा ही, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा। बाद में अगर कोई डेंजरस नेचर का कोई गुड्स है तो उस पर स्पेसिफाई करा हुआ होगा कि वो डेंजरस नेचर का है, ऐसा आपको पॉइंट याद आने चाहिए। नाउ दैट इज ऑब्वियस, बिकॉज दैट इज ऑब्वियस, हम उसको बोलेंगे इम्प्लाइड वारंटी। उसमें अगर ब्रीच होता है तो कॉन्ट्रैक्ट रेसिड नहीं होता, यू कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, दैट इज वॉट इज इम्प्लाइड वारंटी। आई होप जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। रिया का मैसेज है सर, केस स्टडी में केस लॉ का रेफरेंस देना होता है डायरेक्ट आंसर में? रिया हाँ, हम लोग रेफरेंस देंगे केस स्टडी में, हम लोग अगर केस लॉ आपको याद आ रहा है तो हम रेफरेंस देंगे। देवांश, हमने समझा दिया ऑलरेडी सेक्शन नंबर 28, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टोर सिखा दिया आपने, आई थिंक लेक्चर लेट ज्वाइन करा सर, इट हैज बीन टॉट ऑलरेडी, इट हैज बीन टॉट ऑलरेडी। सर बीसीआर अच्छे से किया है, लॉ के कंपनी होगा पार्टनरशिप सेकंड यूनिट से पास हो जाऊंगा सर, या चांसेस है पास होने के, बट अगेन आई वुड से आपको एटलीस्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक आना चाहिए। ठीक है चलो हम बचाओ करते हैं, क्या बचा, सेल वर्सेस अग्रीमेंट टू सेल। अरे इजी है ना, सेल के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, अग्रीमेंट टू सेल के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। सेल किस में होता है, असर्टेन गुड्स में होता है, स्पेसिफिक गुड्स में होता है। अग्रीमेंट टू सेल किस में होता है, फ्यूचर गुड्स में, कंटिंजेंट गुड्स के अंदर होता है अग्रीमेंट टू सेल। सेल के अंदर ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर होती है, अग्रीमेंट टू सेल के अंदर वो या तो फ्यूचर डेट पे या कोई कंडीशन सेटिस्फाई करने पे ट्रांसफर होगा। सेल के अंदर जो रिस्क है दैट बिकम्स ऑफ द बायर, अग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो रिस्क है दैट रिमेन्स ऑफ द सेलर, ऐसा कुछ याद आना चाहिए। ठीक है तो सेल अग्रीमेंट टू सेल आई थिंक बहुत ईजी पॉइंट है और आपको समझ में आ जाना चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ लीन, सर जो गुड्स मेरे पास पड़े हुए थे नाउ दे आर इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब सर रस्ते में हैं, वो जा रहे हैं बायर के पास, तो जैसे गुड्स मुझसे अलग हो गए लीन टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है मतलब अब मैं उनके ऊपर हक एक्सरसाइज नहीं कर सकता कि ये मैं अपने कब्जे में रखूँगा। जैसे आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट में भेजे या सामने वाले बायर को मिल गए तो आप लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ लीन। हाँ स्टॉपेज इन ट्रांसिट का आपके पास अभी भी ऑप्शन है बट लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते बिकॉज गुड्स आर नो लॉन्गर विथ यू, खत्म। सब कुछ ही हो गया, असाइनमेंट वाइज मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, जो अग्रीमेंट में लिखा होगा उसके हिसाब से, और अगर डिसाइडेड नहीं है तो जो कस्टम है जो रीजनेबल है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है साइड आउट्स क्लियर हो गए मेरे हिसाब से, ऑल ऑफ देम हैव बीन क्लियर। यस सर वेटिंग फॉर मोर, आपको जो डाउट है फेको मैं सॉल्व करेगा, जो आपके डाउट है टेल मी आई सॉल्व। ये सब कुछ हो गया, हर एक पॉइंट मैंने आपको सिखा दिया। नेमो डेट क्वाड के किसी ने मुझसे एक्सेप्शन पूछे थे वो मैं करवा दूंगा, उसके अलावा बताओ सर। सर कंस्ट्रक्शन के रीगल रूल्स विनीत, अगेन आई एम टेलिंग, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरा लेक्चर,
अगर आपने वो नहीं देखा एंड यू आर स्टिल आस्किंग डाउट्स, दैट मीन्स हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर आपको पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तो डाउट आपको पूछना ही नहीं चाहिए, बिकॉज मेरा पूरा लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, जिसमें मैंने हर एक पॉइंट क्लियर कराया है डीप में पढ़ाकर, रिविजन लेक्चर में भी डीप में पढ़ाया है। तो यू शुड नॉट बी आस्किंग मी डाउट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटलीस्ट, ठीक है? यू शुड फर्स्ट सी दोज वीडियोज एंड देन यू कैन आस्क मी। अमन गुप्ता, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, इजी तो है, चैप्टर नंबर वन का लास्ट टॉपिक, इजी तो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कल्चरल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, परसेप्शन बैरियर्स, इजी तो है यार। ठीक है, चलो मैं इसको बंद करता हूँ। नरेश का मैसेज है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के अंदर बेसिकली वी हैव फाइव केस लॉस, मैं केस लॉ का नाम लूँ आपके सामने अगर, डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस दिस, पहला केस लॉ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद देन वी हैव दिस डिंशोमाइजी पेटेट वर्सेज सी आई टी, देन वी हैव गिलफोर्ड मोटर वर्सेज हॉर्न, देन वी हैव वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेज एसोसिएटेड रमा इंडस्ट्री लिमिटेड, एंड देन वी हैव मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेज ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। ऐसे अपने पास बेसिकली कुछ केस लॉज हैं, ठीक है, जो मेरे हिसाब से बहुत आसान है। हमने आई थिंक इसको डिस्कस किया था, इसका मतलब सिर्फ इतना निकल के आता है कि सर डाइमलर वर्सेज कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी, इसका मतलब सिर्फ इतना निकल के आता है कि सर हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं कॉर्पोरेट व्हील को, मतलब जो मेंबर्स और कंपनी अलग अलग थे, अब वो अलग अलग नहीं मान रहे हम लोग, हम दोनों को एक ही मान रहे हैं, जिससे हम रियल कल्प्रिट को पकड़ सकें। दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, फाइव केस लॉस, आई विल रिपीट देम अगेन फॉर यू। डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेज कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी, उसका हेड पॉइंट है एनिमी कैरेक्टर फाइंड करना, ठीक है? देन वी हैव डिंशोमाइजी पेटेट वर्सेज सी आई टी, दैट इज इवेजन ऑफ टैक्सेस। देन वी बेसिकली हैव मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेज ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, जिसके अंदर हम ऐसा बोल रहे हैं कि सर अगर होल्डिंग को लाइसेंस नहीं दे रहे थे तो सब्सिडी को भी लाइसेंस नहीं देंगे। देन वी हैव वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रमा इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेज एसोसिएटेड रमा इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसके अंदर कंपनी को बोनस पे नहीं करना था तो उसने एक डमी एंटिटी बनाई जिसे बोनस ना पे करना पड़े, नॉट अलाउड। एंड लास्ट वन इज गिलफोर्ड मोटर वर्सेज हॉर्न, जिसके अंदर फ्रॉड वाला केस लॉ था, ठीक है? दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। चलो मैं बंद कर रहा हूँ। अग्रीमेंट रिलेशन ऑफ ट्रेड सेक्शन 27, मैंने कर दिया हमने इसको यार ऑलरेडी। आकाश दवे, मेरे यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उसमें प्लीज देख लेना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डाउट्स ऑब्वियसली एंटरटेन नहीं कर सकते, बिकॉज उसका पूरा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, नॉट एंटरटेनिंग डाउट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्लीज। चलो मैं बंद कर रहा हूँ, लेट मी मूव टूवर्ड्स इंपॉर्टेंट सेक्शंस, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, लेट मी मूव टूवर्ड्स इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, आई एम क्लोजिंग दिस डाउन। देख हमने इतना सारा डाउट क्लियर करा आपका, उसके अलावा 15 से 20 डॉट और क्लियर करें जो ऑनलाइन यहाँ पे चैट बॉक्स में आए थे। हटा रहा हूँ मैं इसको, मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड देन आई थिंक आपके और के डाउट्स होंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज हम मिलेंगे डायरेक्टली 31st को। आपको आई गेस पता होगा 31st को वी हैव अ लेक्चर इवनिंग, आई थिंक 6:30 से लेकर 9:30 10 o'clock तक अपना लेक्चर होगा। तो याद रखना, आप जब पेपर देखेंगे अकाउंट्स का, डायरेक्टली घर पहुंच जाना जल्दी से, 5 बजे का पेपर खत्म होगा, बाय 5:30 5:45 घर आ जाइएगा, फ्रेश फ्रेश हो जाना, 6:30 लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगते हैं वो मैं सारे के सारे आपको मैं उस दिन करवा दूंगा, ठीक है? तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट वी हैव अ लेक्चर ऑन 31st, ठीक है? मैं अपना न्यू ईयर छोड़कर आपको पढ़ाऊंगा, पार्टी वार्टी नहीं करेंगे, ठीक है? आपको पास करवाने का हमारा संकल्प है, ठीक है? Myself विश्वनाथ शर्मा एंड द क्लासेस आई एम एसोसिएटेड विथ एडनोवेट क्लासेस, हमारा मिशन ये है कि आप कुछ भी करके फाउंडेशन पास हो जाएं। तो आई विल गिव अप माई न्यू ईयर प्लान्स, आई वॉज प्लानिंग के आई माइट गो टू गोवा, बट मैं वो प्लान ड्रॉप कर रहा हूँ, आपका लेक्चर लेंगे सर, एंड दैट इज़ द प्रायोरिटी, ठीक है? तो आई होप आपको हमारे कमिटमेंट्स, आपको हमारे गिविंग नेचर के बारे में थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट होगा, एंड आप आएंगे 31st को एंड हम रिविजन करेंगे अच्छे से, ठीक है? चलो, आशी का मैसेज है सर बीसीके के रिमेनिंग क्वेश्चंस भी होंगे क्या? होंगे ना, 4 तारीख को, 4th of January बीसीके के 320 क्वेश्चंस और होंगे, 300 हो गए, नहीं 320 हो गए, 300 और होंगे 4th of January। आशी अग्रवाल ठीक है? आशी अग्रवाल आई होप यू आर ओके। अक्षय सर एलएलपी इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेल मी। या ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट, एलएलपी के अंदर आपको ऑब्वियसली स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन कर लेना है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज TA स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है, आपको वो करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको कर लेना चाहिए सर, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद
जो कंप्लायंसेस हैं, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी वाले, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल रिटर्न अकाउंट्स वाले, वो सब आपको कर लेना चाहिए, वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं आपको बता रहा हूँ फटाक से अभी अबाउट इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करे आप फोकस करो, ठीक है। चैट बॉक्स में अब नहीं पढ़ रहा और मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो आप फटाक से ओपन करिए, पहले पार्टनरशिप बताता हूँ, फिर LLP बताता हूँ, पहले ये दो खत्म करते हैं, ठीक है। प्लीज ओपन अप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा देता हूँ। प्लीज मार्क करिए मेरे साथ साथ, जल्दी 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 जल्दी। राइट टू बी कंसल्टेड, मतलब सर जब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग होगा तो हर पार्टनर से उसका ओपिनियन लिया जाएगा, दैट इज राइट टू बी कंसल्टेड, ठीक है। ओके, आई वन पार्टनरशिप एक्ट, आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो सेक्शन नंबर्स। मैं आपको लिखवाऊंगा कुछ अराउंड 10 सेक्शंस, ओनली ओनली 10 सेक्शंस, ठीक है। वी हैव सो मेनी सेक्शंस इन पार्टनरशिप एक्ट, मैं आपको सिर्फ 10 सेक्शन लिखवाऊंगा, आपको 10 सेक्शन याद रखने हैं। तो या तो आप उसकी लिस्ट बना लो या आप बुक में टिक कर लो, आपकी मर्जी है। आई एम टेलिंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सेक्शन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज बहुत सारी डेफिनेशन उसके अंदर, बट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 4। चैट बॉक्स नहीं पढ़ रहा हूं, प्लीज फोकस करना। सेक्शन नंबर 4 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट बता रहा हूं मैं आपको। आफ्टर सेक्शन नंबर 4, लेट मी फाइंड द नेक्स्ट वन फॉर यू। पार्टनरशिप विल, सेक्शन नंबर 7, सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको मैंने बताया। आफ्टर सेक्शन नंबर 4 इट इज सेक्शन नंबर 7 विच इज दिस पार्टनरशिप एट विल विच इज इंपॉर्टेंट। दैट्स इट, यूनिट 1 में और कुछ नहीं। यूनिट 1 में आपको मैंने सिर्फ 2 सेक्शन बताए, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 7। मैं आ गया यूनिट नंबर 2 के ऊपर। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, थर्ड सेक्शन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, तीन चीज आती है उसमें। नेक्स्ट इम्प्लाइड अथॉरिटी, सेक्शन 19, ये मैंने सिखाया भी आपको आज, अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। आप साथ में लिस्ट बना सकते हो पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। सेक्शन 19 इंपॉर्टेंट, सेक्शन 29 वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 29 वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आज हमने डिस्कस किया ट्रांसफरी वाला। 30 माइनर वेरी इंपॉर्टेंट, 33 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर मैंने एक डायग्राम बनाया है याद रखने के लिए 33 के अंदर। ठीक है, यूनिट 2 में से इतना सा। यूनिट नंबर 3, सेक्शन 69 सबसे इंपॉर्टेंट है, 69 डिसेबिलिटीज वाला वेरी इंपॉर्टेंट, 69। देन 44 वेरी इंपॉर्टेंट, खत्म। कितने सेक्शन बोले मैंने, आई गेस 7 या 8 बोले होंगे ना, 8 8 8 इंपॉर्टेंट बोले होंगे मैंने। कितने इंपॉर्टेंट बोले मुझे बताओ जल्दी एक बार, पार्टनरशिप में कितने सेक्शन मैंने टिक करवाया आपको। आई गेस अराउंड 8 मार्क करा है किसी ने, मार्क करा है किसी ने, कितने आपको मैंने टिक करवाया इंपॉर्टेंट, प्लीज टेल मी, किसी ने काउंट करा। टेल मी, मैं वेट कर रहा हूँ। 9, ओके, मैंने कहा था 9 या 10 ही है सर, ठीक है। ये सेक्शन नंबर्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप का तो आप लिखोगे एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पर अगर 99% क्वेश्चन यहीं से बनेगा जो मैंने आपको टिक करवाया, 9 9 सेक्शंस। तो इन 9 सेक्शन के अंदर आप सेक्शन नंबर लिख कर आओगे, ठीक है। मेरे को याद भी, मैंने कौन सा टिक करवाया होगा, 4 4 टिक करवाया होगा, 7 टिक करवाया होगा, 19 टिक करवाया होगा,
29 टिक करवाया होगा, 30 टिक करवाया होगा, उसके बाद मैंने आपको टिक करवाया होगा 33, 69, ठीक है, मेजर आपको ने ये सब टिक करवाए होंगे। तो अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो इन दैट केस आप सेक्शन नंबर लिख कर आओगे, अदरवाइज यू विल जस्ट राइट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर क्वेश्चन है सर, ड्यूटी ऑफ पार्टनर, ड्यूटी ऑफ पार्टनर में कहाँ कोई लोड है टू अटेंड डिलिजेंटली जो आपको काम दिया गया है, ठीक है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म में आपको काम करना है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे से मेंटेन करने हैं, इजी तो है बाबा, उसमें क्या क्या क्वेश्चन है। नरेश आप कर लेना 37, हमको जो इंपॉर्टेंट लगा हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्टनरशिप आपको मैंने 9 सेक्शन बताया जो सुपर इंपॉर्टेंट है, मैं मूव कर रहा हूँ सर एलएलपी के ऊपर। एलएलपी के अंदर क्या काम का है हम फटाक से एक बार आपको मार्क करा देते हैं। सेक्शन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टिक करिएगा। एलएलपी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्शन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, 7 मार्क करवाया, 17 मार्क करवाया। ट्वेंटी नाइन वेरी इंपॉर्टेंट, होल्डिंग आउट, वही सेम पार्टनर जैसा ही है, ठीक है, 3 मार्क करवाया मैंने आपको। 34 इंपॉर्टेंट, 35 इंपॉर्टेंट, 35 दैट्स इट। कितना मार्क करवाया, 4 या 5, कितना मार्क करवाया मैंने एलएलपी के अंदर जल्दी बता, कितना मार्क करवाया, 4 या 5, लेट मी नो फर्स्ट। पांच, ओके सर, आई एम लिविंग अप टू माय प्रॉमिसेस। मैंने आपको जो भी प्रॉमिस कराया ना, जो भी प्रॉमिस, मैंने हर प्रॉमिस निभाया। मैंने आपको बीसीके के रिवीजन में बोला था कि मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा बहुत सारे, मैंने बहुत सारे करवाए, अभी और भी बहुत सारे करवाऊंगा। मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट दूंगा, मैंने दे दिए, पार्टनरशिप के दे दिए आपको, एलएलपी के दे दिए। कंपनीज एक्ट के अंदर आपके लिए सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनीज एक्ट इज वेरी वास्ट, उसमें तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो कंपनीज एक्ट के अंदर यू नीड टू रिमेंबर ऑल दी सेक्शन, दैट इज फॉर श्योर। कॉन्ट्रैक्ट में और सोगा के अंदर आपको जो मैक्सिमम याद हो सकता है उतना मैक्सिमम याद कर सकते हैं, बिकॉज अगेन उसके अंदर भी कोई भी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज सो वास्ट, ये कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। दीज टू आर स्मॉलर चैप्टर्स, ठीक है, पार्टनरशिप एंड एलपी, उसके अंदर आपको मैंने इंपॉर्टेंट दे दिया, बिकॉज इसमें बच्चों को ऐसा लगता है कि यार कैसे क्या याद कर लिया जाए एलपी में स्पेशली, तो आपने इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया वो सेक्शन नंबर, वो टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। एंड फॉर पार्टनरशिप एलपी बोथ कंपनीज एक्ट के अंदर एनी वे आदित्य सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, आपको मैक्सिमम सेक्शन याद रखने हैं कंपनी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सोगा के अंदर, बिकॉज वो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े सारे सेक्शन उसके अंदर। आगे बात करिए सर, और कुछ है बताओ मुझे जल्दी से, मुझे जो करना था मैंने करवा दिया आज के सेशन के अंदर, आपके डाउट लेने थे मैंने अराउंड 30-35 डाउट्स लिए आपके रैंडम, जो भी आपने बोले सब करवा दिए। सेक्शन नंबर देने से मुझे इंपॉर्टेंट मैं वो भी दे दिए। एक जन का डाउट बचा था एक्सेप्शंस ऑफ नेमोडेट क्वाड, वो मैं करवा रहा हूँ, मुझे याद है। उसके अलावा कुछ है तो मुझे बताइए, नहीं तो अपन सेशन को एंड कर देंगे सर। इट वॉज अ वेरी स्मॉल सेशन ऑफ 1.5 आवर्स, सो वी स्टिल हैव अराउंड 10-15-20 मिनट्स। तो आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम एक्सेप्शंस ऑफ नेमोडेट क्वाड करके वाइंड अप कर देंगे सर। इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस, नीरज आप एक बार पास पेपर्स उठाना प्लीज, आरटीपी एमटीपी और पास पेपर्स तीनों, हमने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, मैं आपको वापस एक बार दिखा रहा हूँ। देख ये अपने इंस्टीट्यूट का, अपना इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है सर, आपको बेनिफिट लेना नहीं आता। देख मैं गया ICAI BOS के अंदर, ठीक है, मेरे सामने वेबसाइट ओपन हुआ, आई डायरेक्टली गो टू दिस, आई हैव रिविजन टेस्ट पेपर्स, आई हैव RTPs, देख मैं क्लिक करता हूँ RTP के ऊपर, RTP पे क्लिक करा मैंने, रिविजन टेस्ट पेपर्स, फाउंडेशन में गया, बिजनेस लॉ, यू हैव सो मैनी RTPs यार, December 23, June 23, November 22, May 22, so many RTPs you have,
इन चारों आरटीपी को कर, ठीक है। उसके बाद पीछे जाएगा तू, तेको मिलेगा पास पेपर्स, ठीक है। यहाँ पे सजेशन आंसर में जाना, यू विल फाइंड क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। मैं इसमें गया फाउंडेशन, अगेन पेपर नंबर टू, एंड आई विल फाइंड जून 23, नवंबर 22, मई 22, दिसंबर 21, अगेन आई विल फाइंड फोर अटेम्प्ट्स। तो आपके पास चार आरटीपी है, चार पास पेपर्स हैं, और मॉक टेस्ट पेपर तो बहुत सारे हैं। आप मेरा लेक्चर अटेंड कर नहीं रहे हो फिजिकली, बाकी मैं आपको बताऊं, अगर आज ही लेक्चर के अंदर हमने जो जून 24 का बैच है, हमने इतने क्वेश्चन करे, देख आज मॉक टेस्ट पेपर वन, मॉक टेस्ट पेपर टू, मॉक टेस्ट पेपर थ्री, मॉक टेस्ट पेपर फोर, चार मॉक टेस्ट पेपर, दिस इज फिफ्थ मॉक टेस्ट पेपर, पांच एमटीपी करा हमने। फिर देख आगे, देख आरटीपी, एक दो तीन चार, चार आरटीपी करा, पांच मॉक टेस्ट पेपर करा और पांच पास पेपर करा, ठीक है। हमने आज चैप्टर खत्म किया पार्टनरशिप, और इसमें ऑफलाइन बैच के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं आरटीपी एमटीपी पास पेपर, हमने सारे क्लास में कर लिया आज। सेम विद कंपनीज एक्ट, हमने सब क्लास में कर लिया। जस्ट इमेजिन हमारा प्रैक्टिस का लेवल, कोई क्लासेस के अंदर आप चले जाओ, आपको बोल देंगे होमवर्क, हम इसको चैप्टर खत्म होकर क्लास में करवाते हैं एडनोवेट के अंदर। पांच पास पेपर्स आपके सामने दिख रहे हैं आपको, रीसेंट वाले, चार आरटीपी एंड ऊपर पांच मॉक टेस्ट पेपर्स। इतना बच्चे को करवा देने के बाद सर कोई डाउट ही नहीं बचता है, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता जो ना कराओ क्लास के अंदर। दिस इज लेवल दैट वी मेंटेन एट दिस एडनोवेट क्लासेस। तो आप लोगों के लिए तो टाइम कम है अभी, तो ऑब्वियसली हमसे जितना हो रहा है हम ऑलरेडी करवा ही रहे हैं आपको, हमने क्लास में जो आपका एमटीपी सॉल्व करवाया ही है। बाकी आई वुड सजेस्ट कि आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो आपके सामने यहाँ पे ओपन है, आपको यहाँ पे जाना चाहिए, आपको आरटीपी एमटीपी पासवर्ड करना चाहिए। सी, अभी वो टाइम नहीं है कि आप कोई नया कंसेप्ट पढ़ो उसको समझने की ट्राई करो। द टाइम इज आप जितने एमटीपी आरटीपी पासवर्ड कर सकते हो उनको निपटा दो, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा इफ़ यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, इस बार भी बोल रहा हूँ, आरटीपी एमटीपी पास पेपर उठा लो सर, हर सब्जेक्ट के अंदर, नॉट जस्ट माय सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको जो भी वेबसाइट अवेलेबल है आईसीआई के, आप उसको उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। नरेश का मैसेज है, सर आपका ऑफलाइन बैच का पर है मुंबई में? नरेश, हमारा ऑफलाइन बैच बहुत जगह है, बोरीवली में वी हैव 4-5 बैचेस, मीरा रोड में बैच है, अंधेरी में बैच है, घाटकोपर में बैच है, मुलुंद में बैच है, मीरा रोड में अलावा कल्याण में बैच है हमारा, सो मेनी प्लेसेस वी आर बैचेस, दादर में भी ओपन करने वाले हैं, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ बैचेस, ठीक है, ऑफलाइन में। सर हमारे तो वर्कबुक में एमटीपी आरटीपी पास पेपर्स हैं, रिया वेरी गुड, सॉल्व करिए उनको, ठीक है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा टारगेट था आई थिंक मैं अचीव कर चुका हूँ आज का, आई हैव अचीव्ड माय टारगेट्स। एक बार नेमो डेट कॉड वाला मैं फटाक से ओपन कर लेता हूँ, उसके एक्सेप्शंस किसी बच्चे ने पूछे थे, मुझे उसमें एग्जांपल देना पड़ेगा, तो मैं उसको ओपन करता हूँ, उसको करवा के आई थिंक वी विल एंड द सेशन, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं उसको फटाक से ओपन कर लेता हूँ। बस एक मिनट रुको, हो सके तो मैं इसको आपको आपके उसको नोट्स भी दे दूंगा आपको उस टॉपिक के, ठीक है। रोन परी मैं देख लेता हूँ, मुझे फ़र्क से मिल जाए तो। फिलहाल मैं ये वर्कबुक ओपन किया, पेज नंबर 2.41, रेसिबल प्रॉमिस हमने बता दिया सर, मनी डी लफी, इट हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाट इज रेसिबल प्रॉमिस, हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड ट्वाइस ऑलरेडी। ये रहा देख, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, किसी का डाउट था, ये अकेला डाउट बचा हुआ है, बाकी मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए, तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सर आप एज अ ओनर जो आपका टाइटल है आप वैसा टाइटल ही पास ऑन कर सकते हो, आपके पास अगर गुड टाइटल है तो आप गुड टाइटल पास करोगे, आपके पास बैड टाइटल तो आप बैड टाइटल पास ऑन करोगे। उसके वी हैव सर्टेन एक्सेप्शंस, सेल बायर मर्केंटाइल एजेंट, सर एजेंट वो बंदा होता है जो आपके बिहाफ पे काम करता है, तो अगर मेरा एजेंट मेरे बिहाफ पे अगर कोई डील कर आया तो मालिक तो मैं हूँ ना, सपोज मेरी एक प्रॉपर्टी है मुझे उसको बेचना है तो मैं थोड़ी बेचने जाऊंगा, मैं एजेंट को अपॉइंट करूंगा, एजेंट मेरे बिहाफ पे जाके बेचेगा। नाउ एजेंट इज नॉट द ओनर, ओनर इज मी, बस स्टिल उसको वैलिड मान रहे हैं, प्रोवाइडेड एजेंट को मैंने अथॉरिटी दी थी काम करने की और एजेंट ने अपना काम किया है। तो एजेंट इज अ नॉन ओनर हु इज सेलिंग इट फॉर मी, हु इज द ओनर।
तो क्योंकि एजेंट सेल कर रहा है, इट इज सेल बाय नॉन ओनर, और सामने वाले को गुड टाइटल मिलेगा, सिंपल। सेकंड सर, अगर जॉइंट ओनर्स हैं, एक प्रॉपर्टी है, उसके तीन मालिक हैं, उसमें से कोई एक मालिक के पास बाकी दो मालिक की परमिशन से गुड्स पड़े हुए हैं, वो जाके उसको बेच के आ जाता है बोनाफाइड बायर को, चलेगा, गुड टाइटल पास होगा। सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जब तक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइड नहीं करते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। तो वॉइडेबल को वॉइड करने से पहले अगर सामने वाले ने उसको बेच दिया, इट इज वैलिड। फोर्थ एंड फिफ्थ, अच्छा पॉइंट है सर, मैं यहाँ पे गया, लेट्स से डीकैथलॉन में गया साइकिल लेने के लिए। अब मैंने साइकिल तो बाय कर ली, बट मैंने उसको बोला कि मुझे डिलीवरी दो दिन बाद देना। मालिक कौन है? मैं, क्योंकि सेल हो चुकी है। अब बी कैथलॉन वाला उस बाइसिकल को किसी और को बेच देता है, अब बोनाफाइड बायर को, चलेगा। मैं सू करूंगा, डी कैथलॉन को अलग बात है, बट दैट सेल इज वैलिड। वाइस वर्सा, डी कैथलॉन से मैं बाइसिकल लेकर आया फॉर ट्रायल पर्पसेस, मतलब सेल नहीं हुआ है, और मैं जाके उस बाइसिकल को बेच देता हूँ, आई एम नॉन ओनर, वैलिड। सामने वाला बोनाफाइड बायर होना चाहिए ऑब्वियसली। फिर एस्टोफेल तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इफेक्ट ऑफ एस्टोफेल। सेल बाय अनपेड सेलर, पढ़ा था आपने सर, मैंने आपको माल बेचा, ठीक है, आप ओनर हो, मैं ओनर नहीं हूँ, अब आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, पोजेशन मेरे पास है, ओनर आप हो, मैं उसको रिकवरी के लिए किसी को बेच देता हूँ, चलेगा। एंड लास्ट इज मिसलेनियस, जैसे कोई पार्टनर लिक्विडेट हो जाता, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या कोई कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, तो एक लिक्विडेटर आता है जो उसके बिहाफ पे सारा असेट बेचता है। तो ही इज़ नॉट द ओनर, द लिक्विडेटर इज़ नॉट द ओनर, बट स्टिल इट इज़ वैलिड, क्योंकि वो इनसॉल्वेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता उसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है। दीज आर एक्सेप्शंस, कितना सिंपल है। बिपिन सोनी का अच्छा मैसेज है, अदर क्लासेस क्रॉस एडनोवेट टेक, माशाल्लाह सर, दिस इज व्हाट इज द ट्रूथ। अंचल शाह, तुमने खबर पढ़ी है, मुझसे एक सू केवा मांगू छू, एक्सेप्शंस ऑफ योर नेमो डेट क्वाड। आंचल, तुमने खबर पढ़ी गई तो मैंने कही दे एक बार। रिदम, स्वागत तो करो हमारा। हाँ हाँ भाई, स्वागत स्वागत, हाँ स्वागत। अमन गुप्ता, जय श्री राम। सो आई थिंक वी आर डन विथ एवरीथिंग दैट वॉज आस्क्ड फॉर। हमने आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बता दिए पार्टनरशिप और एलपी के अंदर, बाकी तीनों चैप्टर के अंदर इट इज जितना आप कर सको। आपके जितने डाउट्स आपने पूछे, 30-35 डाउट्स, मैंने सारे क्लियर कर दिए इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर। इससे ज़्यादा एफिशिएंट कोई नहीं हो सकता, ठीक है। सो होपफुली वी विल मीट अगेन ऑन 31st, ठीक है। आपने डाउट्स रेडी रखना, मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं और इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा 31st को, और हम लोग मिलेंगे अराउंड 6:30 को, 6:30 से 9:30 के आसपास अपने सेशन रखेंगे 31st को, एंड लॉ को अपने मस्त उड़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा, सब कुछ क्लैरिटी के साथ, सब कुछ याद करके अपन रिविजन करेंगे। एंड फोर्थ को मिलेंगे फिर बी सी के लिए, ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सर इंपॉर्टेंट केस लॉ प्लीज़, रिया आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट केस लॉ का शीट मिल चुका है। रिया, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो? यू हैव दोज केस लॉस ऑलरेडी, जो आपको मैंने दिए हैं केस लॉस 15-20, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर अभी हमें विशेष की ज़रूरत है, बिपिन हमारी विशेष आपके साथ है, नॉट जस्ट विशेष, इवन हमारे एफर्ट्स और हार्डवर्क, हमारे डेडिकेशन भी आपके साथ है। डोंट वरी, अपन 100% पास होंगे, इस अटैम्प में ही पास होंगे। ऑल यू नीड इज डेडिकेशन, ठीक है। अभी एंड टाइम पे जैसा होता है ना, मैं आपको सिंपल सा बताऊं, अपन सब क्रिकेट थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है, लड़का हो लड़की हो, क्रिकेट सबको थोड़ा बहुत समझ में आता है। दिस पीरियड लास्ट 1 वीक, दीज आर डेथ ओवर्स। T20 क्रिकेट के अंदर पहली 17-18 ओवर हो चुकी है, दिस इज 19th ओवर एंड 20th ओवर। हर रन क्रूशियल होता है T20 के अंदर, लास्ट 2 ओवर्स के अंदर एवरी रन इज क्रूशियल, ठीक है। सब 4 और 6 ही मारते हैं, तो आपको भी अभी 4 और 6 मारने का टाइम है। जितना पढ़ सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो सर, कर लो। लास्ट 2 ओवर चल रही है T20 ओवर की, मतलब लास्ट 2 हफ्ते आपके लिए, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ लो, गिव योर 110% एंड यू विल पास। आपने थोड़ा सा भी काम चोरी करा या आपने खुद को पागल बनाया, आप गए। सो रिमेंबर दीज वर्ड्स ऑफ माइंड कि T20 मैच का ये आखिरी 2 ओवर चल रहा है, आखिरी 2 ओवर मतलब मेटाफरिकली आखिरी 2 हफ्ते। इसमें आपने अगर मेहनत कर लिया ना, पास। ये 2 ओवर जितनी क्रूशल होती है ना, उतने ये 2 हफ्ते क्रूशल हैं। यही डिटरमाइन करेगा कि आप में वो डिटर्मिनेशन, आप में वो विल पावर है कि नहीं। यहाँ पे जो विल पावर दिखा देता है ना 2 हफ्ते में, वो पास, और जो यहाँ पे गिव अप करता है ना, फेल। तो रिमेंबर माई वर्ड्स, दीज आर लास्ट 2 ओवर्स ऑफ T20 मैच। जितना अच्छा करोगे, मैच आर्या पार हो जाएगा, ठीक है। विद दोज वर्ड्स आई थिंक वी आर डन फॉर द सेशन, ठीक है। इट वॉज वेरी 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 फ्रूटफुल, ऑल दो लाइक्स तो मेरे पास खाली 104 ही आए हैं,
कोई बात नहीं, कमेंट आप करते नहीं हो, कोई बात नहीं, जस्ट एक्सपेक्टिंग आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे और 31st को हम वापस से मिलेंगे. वी आर डन फॉर द डे सर, थैंक यू सो मच एंड बाय. वी आर डन फॉर द डे, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच. आई होप यू हैव इनफ मोटिवेशन नाउ टू स्टडी. ठीक है, T20 के आखिरी दो ओवर चल रहे हैं सर. ठीक है, चलो बाय 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 बाय. ठीक है, डन विथ ऑल द डाउट्स एंड डन विथ एवरीथिंग. वी आर एंडिंग द सेशन हियर. सर BCR में वोकैब में क्या करें? कल्पना बुक के जितने क्वेश्चन हैं सारे कर लो, बुक के जो एग्जांपल्स हैं वो सारे कर लो, बुक के एक्सरसाइजेस सारी कर लो. कल्पना इट इज मोर देन इनफ. ठीक है, चलो बाय, वी आर एंडिंग. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय. ठीक है, पढ़ाई करना 100% देना अपना. सर एक्चुअली बस एक दिक्कत है, लॉ में टाइम मांगे नहीं हो रहा, आई मीन एक आंसर में बहुत घुस जाता है, फिर प्लीज कीप योर पॉइंट्स ऑन दिस टॉपिक. पीयूष बी टू द पॉइंट, हम लोग बीकॉम का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वी आर गिविंग CA का एग्जाम. यू नीड टू बी टू द पॉइंट, कंसेप्ट लिखना है आपको, अपना कंक्लूजन लिखना है और प्रोविजन लिखना है, बस. बहुत डेप्थ में मत जाना नहीं तो पेपर खत्म नहीं होगा. ठीक है, चलो बाय, टाटा 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 टाटा. ठीक है, बाय. बेशर्मो लाइक और कमेंट कर देना, नहीं करा तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स.